हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बटन की शुरुआत करते हैं। कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट से 24 घंटे में 442 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है और यूपी में मरीजों की संख्या अब 6,07,050 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 8,758 मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक 5,95,518 मरीज ठीक हुए। राजधानी लखनऊ में 115 नए केस मिले। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 115 नए मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 442 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। तो लगातार कोरोना का खतरा एक बार फिर से पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में अकेले 25,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 442 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में 115 नए मामले सामने आए हैं। खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है कोरोना को लेकर। कुछ हफ्तों में कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में भी 115 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पूरे प्रदेश में 442 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। तो कोरोना को लेकर खतरा भी टला नहीं है। सावधानी बरतने की अभी भी आवश्यकता है और इसको लेकर सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन भी लगा है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और कोरोना को लेकर फिर से गाइडलाइन जारी की गई है। मास्क का प्रयोग जरूरी कर दिया गया है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और सारी जानकारी के साथ में। जय, एक बार फिर से कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो 115 नए मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में 442 मामले दर्ज किए गए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। जी धीरन जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि लगातार विगत एक वर्ष से पहले से ही कहीं ना कहीं कोरोना लगातार महामारी से लोग पीड़ित थे, परेशान थे, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी लगाया गया जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरीके से वैक्सीकरण किया गया और उसकी वैक्सीकरण की खोज की गई, उसके बाद टीकाकरण किया गया, तो लगातार कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो है कोरोना पर विजय प्राप्त होते हुए नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि फिर जिस तरीके से एक बार फिर से वापसी की है कोरोना ने महामारी से लोग फिर से परेशान नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें जिस तरह से लखनऊ के डीएम ने आदेश भी दे दिया है कि जो भी गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा, चाहे वो किसी भी मिष्ठान में जाएं, दुकानों पे जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं या कहीं भी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर भीड़ भाड़ का इलाका हो, और वहां पर उन लोगों को हर हालत में मास्क का प्रयोग अवश्य करना होगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार फिर से कोरोना महामारी से संक्रमण से लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक चिंतित सवाल भी है सरकार के लिए, लगातार एक सवाल बना हुआ है। अब कोरोना महामारी जिस तरीके से बढ़ रही है उसका किस तरीके से बचाव होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरी व्यवस्थाएं फिर से की जा रही है, सरकार फिर से गाइडलाइंस बना चुकी है, जागरूकता करती हुई नजर आ रही, लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों को भी अपने बचाव के लिए पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं इस कोरोना से बचाव हो पाएगा। लेकिन ये तो निश्चित
गया है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी से बीच में बचाव हुआ था और लोगों को आराम भी मिला था, काफी कोरोना पे विजय प्राप्त होते हुए नजर आया था, लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थिति इस वक्त की है वो इस समय बहुत ही महामारी की है। कोरोना महामारी फिर से फैल रहा है और कहीं ना कहीं लखनऊ की अगर बात की जाए तो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भी काफी बढ़ोतरी कर चुका है, और जिस तरीके से देखा जाए तो फिर से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं ये कभी चिंता का विषय बन चुका है। सभी मेडिकल हॉस्पिटल में भी ये गाइडलाइंस दे दी गई है कि वहां पर पूरी पूर्ण व्यवस्था की जाए, जो भी कोरोना महामारी से संक्रमण से लोग जूझ रहे हैं उन लोगों को तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए और उनकी बीमारी का इलाज करने का प्रयास किया जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें जिस तरीके से कोरोना की जांच के लिए, जांच की बात अगर किया जाए तो लगातार जांच के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपना जैसे ही कहीं पर किसी तरह की बीमारी, खांसी, बुखार आदि महसूस हो तत्काल पहुंचकर अपनी जांच कराएं। जांच कराने के बाद यदि अगर कोविड में किसी तरीके का अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो आप लोग उसको बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी जांच कराने को तत्काल इलाज के लिए पहुंचे और मेडिकल संबंधी इलाज कराएं। जी धीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।